आज हर घर के अंदर टोटियाँ लग गई, काम वो बंद हो गया, इसीलिए इस टाइम मशक मिलना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बहुत कम लोग रह गए इस काम को करने वाला। Everyone knows these men as Mashak Walas, but they are actually Bahistis, a word that comes from the Persian word of paradise, Bahist. The Mashak is what they carry with them. ये तो छोटी मशक है, इससे भी बड़ी बड़ी मशक होती थी। इससे कम से कम इतनी बड़ी मशक होती थी। अच्छा। जी हाँ। एक साल बड़ी मुश्किल से चलता, 6-8 महीने कंटिन्यू अच्छी चलती है। उसके बाद जो है ना फिर रिपेयर करना पड़ता 2-4 बार, उसके बाद फिर बेकार हो जाता है, फिर हम चेंज करते हैं। एक साल के अंदर एक मशक हमें चेंज करना पड़ता है। खाल होता कच्चा, फिर उसको चर्बी लगाया जाता है उस पर, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर कंटिन्यू 15 दिन तक उसके अंदर पानी भरे जाएंगे, 15 दिन 20 दिन पानी भरा जाता है। तो पानी हम भरते हैं ना, तो उसमें पानी जो बकरे की खाल जो होती है उसमें जो बाल होता है उसके रेशे बारीक बारीक से सुराख होते हैं, तो जब हम पानी भरते हैं उससे आहिस्ता 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 वो जगह भर जाता है चर्बी से या पानी से। लेदर फूलने के बाद वो काम आपका हो जाता है, फिर पानी चूता नहीं है। और फिर 2-4-6 महीने बाद उसमें कभी कभार सुराख हो जाता है, जैसे लेदर पुराना हो जाता है वैसे वैसे सुराख होता रहता है उसमें। तो वो खाले जो है ना वो बहुत चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है ये खाल, है जी। तो अब ये महंगी हो गई बहुत। मशक के बारे में ये है कि पहले तो मिलती थी 50 की 60 की, आप से 40 साल पहले, अब मिल रही है 2000 की 2500 की। हाँ जी। While the cost of water has gone down over the years, the physical toll on Bahisti's body only increases with age. A mashak wala usually carries 40 liters of water on their back. That's equivalent to 220 liters of water jars we have at home. और जो कुछ कमाता हूँ वही मैं अपनी तकलीफ में मतलब ये लगाता हूँ। मुझे समझ लो तो सुबह से लेके जब शाम तक मतलब ये आदमी मेहनत करेगा और भागा दौड़ी करेगा और कमर पे वजन भी रहेगा, तो फिर तो भागा दौड़ी करनी हो वो तो परेशानी और दुख तकलीफ तो होनी होनी है। इस काम में क्या है, ये पानी की मशक जो है जब हम इसे लेके चलते हैं 8-10 साल 12 साल या तकरीबन सही रहती है शरीर। अच्छा। उसके बाद ना आहिस्ता 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 टांगों में या कमर में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है इसकी वजन की वजह से। जैसे मेरी एड़ी में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, तो इस मशक की वजह से ही ये तकलीफ है। कोई भी मशक का काम करने वाला हो उन्हें या सांस की बीमारी हो, अच्छा, या घुटनों में तकलीफ हो, या एड़ी में तकलीफ हो, या कमर में तकलीफ हो, होगी डेफिनेटली। अच्छा। अब नज़र भी कमज़ोर हो गई हमारी। अच्छा। टांगों से भी मजबूर हो गए हम, हमारे तरीके से मजबूर हो गए सब। बस अल्लाह ने जब तक सांस दे रखी है, हिम्मत दे रखी है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जब हम अल्लाह हमें बुला लेगा तो फिर कोई नहीं करने का इस काम। People say Mughal Emperor Humayun was saved by a Bahisti through his mashak. He was crowned the king of Delhi for one day, but these days he can barely make ends meet. इस काम में कुछ नहीं रखा, मजदूरी में कुछ नहीं रखा। पहले 10 पैसे का पिलाव है, बड़ा फायदा था, बहुत कमाई थी। अब 100 रुपए का पानी पिलाओ तो कमाई नहीं है। अब आखिरी वक्त कुछ भी दे जाता, 1 भी दे जाता 2 भी दे जाता 5 भी दे जाता 10 भी है, अपनी मर्जी से, कोई मुकर्रर नहीं है मतलब, या कोई हदिया नहीं है। अब तो खत्म हो चुका काम ही है। अब तो ये है कि 2-4 हैं 2-4 में क्या हो। पुरानी दिल्ली हैज ऑलवेज बीन होम टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स फॉर सेंचुरीज। द Bahistis क्लीन स्ट्रीट्स एट द टाइम ऑफ राम लीला एंड प्रोवाइडेड वाटर टू मुस्लिम्स फॉर ड्रिंकिंग। Bahisti लोग हुआ करते थे मशक वाले, वो छिड़काव करते थे,
झाड़ू लगने के बाद छिड़काव होता था जिससे कि तरावट रहती थी और धूल उड़ती नहीं थी सवारी के सवारी में. तो भिस्तीस दे बिलोंग टू दी मुस्लिम कम्युनिटी, सब मियाँ भाई थे वो लोग, और इतनी शिद्दत से जो है वो सफाई करते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हीं की कम्युनिटी का काम है ये. अभी 10-15 साल तक तो आपको 5-7 नज़र आ जाते थे, लेकिन पिछले साल तक मैंने देखा ये 1-2 ही नज़र आया मुझे. थोड़ा इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था होली दिवाली पर हम लोगों में. ये आपको जो है वो बड़े बड़े चौराहों पर जो है ये आपको खड़े हुए मिलते थे, और होली से एक दिन पहले जब होली जलाई जाती है, उन दिनों में जलने से भी पहले लोग जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर से पैसे वार के और उनको वहाँ देते थे, और वो पानी भर के लाते थे मशक में और चौराहे पे छोड़ देते थे. तो दैट वाज काइंड ऑफ अ बिलीफ टू पुट ऑफ द ईविल, इस तरीके का एक वो था. तो वो होली से पहले और दिवाली मेन छोटी दिवाली वाले रात को. देयर विल बी नो वन टू कॉल मशक वालास इन द नेक्स्ट जनरेशन. द बुक इज फाइनली क्लोजिंग. आजकल की दादी जो है ना इस काम को नहीं समझ रही है. जो पुराने बंदे हैं वो तो कह देते हैं लो जी डाल देना भाई. आज हर घर के अंदर टोटियाँ लग गई, काम वो बंद हो गया है, इसीलिए इस टाइम मशक मिलना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी. और बुढ़ापा आ गया, अब इनके ही कदमों में ही दम निकलेगा हमारा.